जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में आपको चीन की फर्स्ट लेडी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, ये है शी जिनपिंग की पत्नी, जो शी जिनपिंग के साथ वियतनाम के दौरे पर पहुंची थी। ये जैसे ही गाड़ी से उतरती हैं, वहां मौजूद जनता उन्हें हेलो हाय करने लगती है और उस शोर में वो भी बड़ी खुशी खुशी मशगूल हो जाती हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार करके वो किनारे होती हैं। उस दौरान शी जिनपिंग वियतनाम के प्रमुख के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं और ठीक उसके बाद शी जिनपिंग भी वहाँ मौजूद जनता को देखकर गदगद हो जाते हैं। वहाँ खड़ी जनता शी जिनपिंग को जब हूट करती है तो वो उत्साह में कुछ कदम आगे बढ़कर चले जाते हैं और इस दौरान वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेना भूल जाते हैं। वो फिर हूट करते हैं, साथ में मौजूद वियतनाम के प्रमुख उनके पीछे खड़े रहते हैं और फिर वो वापस जाते हैं और प्लेन पर सवार होकर अपने देश लौट जाते हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति इन दिनों लगातार कई देशों के दौरे कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मुलाकात के बाद इनका यह सिलसिला लगातार चल पड़ा है और इसी कड़ी में ये वियतनाम पहुंचे। वियतनाम के साथ चीन लगातार अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वियतनाम के साथ दुनिया के कई और देश भी अपने संबंध मजबूत करके चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीन की कोशिश है कि वो वियतनाम को अपने साथ लेकर इन तमाम कोशिशों को फेल कर दे। वियतनाम चीन के बराबर ही अमेरिका को तवज्जो देता है और यही वजह है कि चीन परेशान है। संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक तौर पर भी लगातार प्रभाव डालने में चीन की बराबरी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनयिकों की रैंकिंग की बात की जाए तो वियतनाम में अमेरिका के राजनयिक भी चीन के बराबर यानी कि उच्चतम स्तर तक हैं। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब वहां पहुंचते हैं तो कई मामलों पर उनसे बातचीत करते हैं, एक साथ आगे बढ़ने की कस्में खाते हैं। बताया जा रहा है कि चीन के साथ दूर संचार, डिजिटल डेटा सहयोग, रेल कनेक्टिविटी और सुरक्षा में संभावित निवेश पर एक साथ बात की गई है। समझौते की बारीकियों का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन विश्लेषक और अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था समझौते वियतनाम के 5G नेटवर्क निर्माण के चीनी वित्त पोषण के साथ साथ पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे में निवेश के द्वार खोल सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी चीन ने वियतनाम के साथ साझेदारी करने की कस्में खाई हैं। लेकिन ये कस्में वादे वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो पाते हैं या नहीं, ये तो सोचने और देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति लगातार एक के बाद एक दूसरे देशों के दौरे पर हैं, उससे यह लगता है कि चीन अमेरिका की कोशिशों को काउंटर करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।